ये जगह हमारे मकसद पर चलने वाले जाबाजों का मंबा है। हम यहाँ खुरासान से, तुर्किस्तान से, अनातोलिया से और हिंदुस्तान से जमा हुए हैं। आलम इस्लाम की तरफ से आपको सलाम अर्ज करते हैं। वालेकुम सलाम। हमारा मकसद आलम इस्लाम का इत्तेहाद और जहाँ भर में इस्लामी फुतूहात है, यही हमारा राज है। इसीलिए आपको हमारा रहनुमा चुना गया है। इसीलिए बाहिसियत रहनुमा आपके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। वो क्या? सलीबी फौजों की पुश्त के ऊपर जो ताकत है वो एक यहूदी है, अब्राहम। हम उसका मंसूबा जान चुके हैं। आपको उसका मंसूबा खाक में मिलाना है। मेरे आका, सलाउद्दीन को बचाने जाने वाले आदमियों के पीछे जो सिपाही भेजे थे वो सब मारे जा चुके। हम कुछ भी नहीं जान पाए। तो तुम कर क्या रहे हो यहां पर, बताओ? हाँ, वो लोग जरूर हमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। सलाहुद्दीन भी तो ये जानना चाहता था कि हमारा वो खुफिया मंसूबा दरअसल क्या है। ताबूत सकीना भी पहुंचने वाला है, हमारे बड़े भी तकरीब में आने वाले हैं। क्या हम उन्हें रोक दें आका? हरगिज नहीं। हम लोग बरसों से एक यहूदी सल्तनत के कयाम की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारे सारे यहूदी भाई बेचैनी से उस सल्तनत के मुंतजिर हैं। हमने खजानों के मुंह खोल दिए, सलीबी फौजों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब पीछे हटना नामुमकिन है।